सो गाइस, इस वीडियो की भी बहुत डिमांड आई है मेरे पास। मैं आप देखो, अब जो वीडियोस बनाता हूँ मैं, आप लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूँ, देखता हूँ कि हाँ अभी किस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बना सकता हूँ। तो इस वीडियो की बहुत ज़्यादा डिमांड है कि चाहे हम कुवैत में जाएँ, चाहे दुबई में जाएँ, जो भी गल्फ कंट्रीज हैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर कौन सी लैंग्वेज यानी कौन सी भाषा बोली जाती है। देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि जितनी भी ये गल्फ कंट्रीज है ना, सऊदी, दुबई, मस्कट, ओमान, बहरीन, कुवैत, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो आपको नेशनलिटी मिलेगी, तो वो सबसे ज़्यादा आप लोगों को 80% मैं आप लोगों को बोल सकता हूँ कि इंडियंस मिलेंगे, फिर पाकिस्तानी हैं, बांग्लादेशी, फिलीपियंस, तो इंडियन सबसे ज़्यादा मिलेंगे, फिर पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, फिर फिलीपियंस आप लोगों को मिलेंगे और बांग्लादेशी मिलेंगे। तो आपको लैंग्वेज को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं 4-4.5 साल ऑलमोस्ट कुवैत में रहा हूँ, 2016 से लेकर 2020 तक, तो मैं 4 साल या 4.5 साल ऑलमोस्ट रहा हूँ, तो मुझे भी लैंग्वेज का कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। बिकॉज आप कहीं पर भी जाओगे ना, चाहे आप किसी दुकान में जाओगे सामान लेने के लिए, चाहे आप किसी मॉल के अंदर जाओगे, चाहे किसी रेस्टोरेंट में जाओगे, कहीं पर भी जाओगे, तो आप हिंदी लैंग्वेज बोल सकते हो। किसी भी कंट्री को लेके बोल रहा हूँ और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए, बिकॉज बहुत ही कम मैं बोल रहा हूँ, बहुत ही कम, इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। और ये मैं सिर्फ एक बात बता रहा हूँ उस चीज़ को लेके कि अगर आप बाहर अगर घूमने वूमने जाते हो, कहीं पर भी जाते हो, तो आपको लैंग्वेज को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। टैक्सी में जाओगे, बस में जाओगे, हर जगह आपको इंडियंस हिंदी बोलने वाले मिलेंगे, क्योंकि बांग्लादेशीज को भी हिंदी आती है, कई बांग्लादेशीज जो पाकिस्तानियों को आती है, इंडियंस होते ही होते हैं। तो आपको लैंग्वेज को लेकर कहीं पर भी आप घूमने जाओगे, सामान लेने जाओगे, तो लैंग्वेज को लेकर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इन कंट्रीज में। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर कि अगर आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो तो उस कंपनी का सीन क्या है। देखो, वो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, फील्ड टू फील्ड, मतलब आप कौन सी फील्ड में काम कर रहे हो। आप रेस्टोरेंट्स के अंदर काम कर रहे हो तो ऑब्वियसली हिंदी तो वहाँ चलेगी नहीं, तो ये वहाँ के लिए आपको इंग्लिश आनी ज़रूरी है। अगर आप ड्राइवर हो घर के अंदर, तो आप घरों में आप पहली बार जाओगे घर के अंदर, किसी के कुवैती के घर के अंदर काम कर रहे हो, किसी जो भी जिसके घर के भी अंदर काम कर रहे हो ना, दुबई का जो शेख है उसके घर के अंदर काम कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आप पहली बार जाओगे तो आपको लैंग्वेज नहीं आएगी उनकी, जो अरेबिक लैंग्वेज होती है। धीरे धीरे आप सीख जाओगे, 5-6 महीनों के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं है। वैसे यूट्यूब पर अगर आप जा रहे हो घर के अंदर, तो हाउसमेड या होम ड्राइवर में, तो आप क्या बोलते हो, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं कि अरेबिक कैसे सीखते हैं, तो आप उन वीडियोस को देख सकते हो। मैंने बहुत सारी वीडियो देखी, मुझे अपनी लाइन से रिलेटेड थोड़ी बहुत आती है, ज़्यादा नहीं आती अरेबिक, सिर्फ बेसिक की ये जो रेस्टोरेंट लाइन से रिलेटेड रहती है। अगर आप इंजीनियर्स हो तो वो डिपेंड करता है कि देखो फील्ड टू फील्ड, मैंने जैसे बताया कि कौन सी फील्ड में आप काम कर रहे हो, वो सब डिपेंड करता है आपकी जिस हिसाब से फील्ड है। अगर जो मैंने बताया रेस्टोरेंट लाइन था, तो भाई आप बिना इंग्लिश के सर्वाइव नहीं कर सकते हो, ये मैंने एक एग्जांपल दिया है, तो आपको पता होगा आप किस फील्ड में, तो आपकी फील्ड में वहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है या हिंदी बोली जाती है, वो आपको पता होगा। बट अरेबिक ऐसा नहीं है कि आप भाई इंजीनियर हो तो सिर्फ आपको अरेबिक आने इस कंपलसरी नहीं, ऐसी बहुत कम जॉब है जहाँ पे अरेबिक इज़ कंपलसरी, बहुत ही मुश्किल से मुश्किल 5 या 10% बोलूँगा कि जहाँ पे सिर्फ अरेबिक रिक्वायरमेंट होती है, नहीं तो इंग्लिश तो चाहिए ही चाहिए, जैसे मैंने बताया रेस्टोरेंट, इंजीनियर या कॉल सेंटर वगैरह जैसी जॉब में, सही है। और ये सब चीज़ें हैं। आई होप कि अब आप लोगों को समझ आ गया कि इन कंट्रीज में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, बिकॉज बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा था। और अगर आपको कुछ भी पूछना है मुझे, फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, एंड प्लीज़ गाइस फॉलो माई अदर चैनल एज वेल, जो कि मैंने अभी व्लॉगिंग वाला चैनल खोला है, तो उस पर भी थोड़ा सपोर्ट दिखा सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक या एंड कार्ड में आ रहा होगा, तो प्लीज़ जाके सपोर्ट कर सकते हो। आज के लिए इतना हुआ है, टेक केयर, जय हिंद।